आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग काफी आसान तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर सीखने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए, एक एनओ, एक एनसी और एक कॉमन पॉइंट आपको पता है तो काफी आसान रहेगा आपके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर समझना। वैसे दोस्तों अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस वीडियो के अंदर आपका काफी हद तक क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जैसे हर स्टार्टर के अंदर हमारे दो वायरिंग होती है, एक पावर की वायरिंग होती है और एक होती है हमारी कंट्रोल की वायरिंग, ठीक है। दो वायरिंग होती है हर स्टार्टर में, तो दोस्तों इसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी होगी। तो दोस्तों देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले आपको वो समझ लेना चाहिए। देखो दोस्तों हमारे पास तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, ठीक है, तीन, ये मैं मानता हूँ हमारे पास तीन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। इसमें तीन कॉन्टेक्टर किस चीज़ के है, एक होता है दोस्तों हमारा मेन कॉन्टेक्टर जिसको बोलते हैं मेन कॉन्टेक्टर, एक होता है दोस्तों हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और एक होता है हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये हमारे तीन कॉन्टेक्टर होते हैं। अब हमारी मोटर को हमको स्टार्ट करना पड़ता है, हमारी जो ये मोटर है जैसे मैं यहीं पर बनाता हूँ, ये मेरी मोटर है, ठीक है, ये मेरी मोटर है, ठीक है। और इस मेरी मोटर के से छः तार आ रहे होते हैं, हमारे स्टार डेल्टा स्टार होता है इसके अंदर हमारी मोटर से छः तार, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः तार आ रहे हैं, ठीक है, ये छः तार आ रहे हैं। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना होता है ये चीज़ समझिए सबसे पहले। तो दोस्तों देखो वायरिंग करने से पहले आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर मेरे को क्या करना है और सबसे पहले किसको स्टार्ट करना है फिर बाद में किसको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है मेन और स्टार कॉन्टेक्टर, इन दोनों को साथ में स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, तभी हमारी मोटर रन होती है। तो कुछ समय तक हम क्या करते हैं स्टार में हमारी मोटर को चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम एक यहाँ पे टाइमर लगा देते हैं, ठीक है, एक टाइमर लगा दिया और इस टाइमर के अंदर जैसे हमने 10 सेकंड सेट कर दिया, तो इस 10 सेकंड चलने के बाद 10 सेकंड तक हमारी मोटर स्टार में चलेगी, उसके बाद में हमारी जो मोटर होगी स्टार से हटके डेल्टा में चल जाएगी, ठीक है। ये जो है हमारा डेल्टा स्टार्टर, और हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है ये मेन कॉन्टेक्ट तो हमारा कंटिन्यू लगा ही रहेगा। इससे पहले जैसे हमने मोटर का पुश बटन स्टार्ट किया, जैसे मैंने बटन दबाया, मेरा बटन दबाते मेरा मेन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए और स्टार भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाद में 10 सेकंड के बाद में जब मैंने बटन दबाया था मेरा मेन भी चल रहा है स्टार भी चल रहा, उसके 10 सेकंड के बाद में मेरा स्टार का कॉन्टेक्टर ये बंद हो जाना चाहिए और डेल्टा का कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए, यही हमारी वर्किंग होती है। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको मैं पावर वायरिंग समझा दूंगा कि आखिर पावर वायरिंग में क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्टर बना देता हूँ, ये हो गया हमारा मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर, ठीक है, डी मतलब डेल्टा। हमारी मोटर से क्या बोलेंगे, हमारी मोटर से दोस्तों कितने तार आएंगे, छः तार आएंगे, ये मैं बना देता हूँ, ये मेरी मोटर है, ठीक है, ये मेरी मोटर और इस मोटर से मेरे छः तार आएंगे, एक दो तीन और ये एक दो तीन, ये हो गए छः तार। इसमें दोस्तों अंदर जो होते हैं मोटर के जो कनेक्शन प्लेट होता है वो कुछ इस तरीके की होती है, ये देखिएगा, ये एक दो तीन, तीन इधर होते हैं और तीन इधर होते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों किसी भी तीन यानी एक दो तीन, ये जो तीन है इन तीन को इस साइड जोड़ देंगे, जैसे ये मैं मान लेता हूँ जो ऊपर के तीन है वो ये तीन है, तो मैं इसको इधर जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये एक जोड़ दिया, ये दो जोड़ दिया और ये हमारा तीसरा जोड़ दिया, ठीक है, ये मेरे मेन कॉन्टेक्टर में जोड़ दिया। इधर के जो तीन है इन तीन को मैंने नीचे वाले से जोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया एक नंबर पे, ये जोड़ दिया मैंने दो नंबर पे और ये तीसरा एक को जोड़ दिया मैंने तीन नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसके अंदर हमारा जो कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्ट करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है, अभी इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के अंदर तो कोई वायर ही नहीं बचे लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है इस स्टार कॉन्टेक्टर से हम एक लूप लगा देते हैं, चाहे हम जो ये वायर जो है ये वायर हम पहले डेल्टा में भी डाल सकते हैं और डेल्टा से एक लूप लगा के स्टार में लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने स्टार पर जोड़ दिया तो स्टार से एक डेल्टा में लगा देंगे, तो जैसे ये एक नंबर है तो इस एक नंबर को यहाँ पे मैं डेल्टा में भी जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये दो नंबर है इसको भी मैं यहाँ से डेल्टा में भी जोड़ देता हूँ और ये तीसरा वायर है इस तीसरे वायर को भी मैं यहीं से ये इधर डेल्टा में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से ये जो एक दो तीन है ये एक दो तीन हमारे डेल्टा में भी चलेगा। अब दोस्तों हमारे जो फेस होता है जो हमारे जो आर वाई भी होता है, ये हमारा आर आ गया, ये हमारा वाई आ गया और ये बी आ गया, हमने सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में जोड़ दिया, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होता है जो स्टार में हमको जो हमको सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए चलाना पड़ता है, उसके अंदर हम जो होता है ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं, ये जो है ना हमारी हमारे जो नीचे तो हमने वाइंडिंग दी, वाइंडिंग के तार दिए, ऊपर क्या करेंगे हम इन तीनों को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, एक हम लूप लगा के शॉर्ट कर देते हैं। और जो डेल्टा होता है इस डेल्टा के अंदर भी हम आर वाई बी सिक्वेंस डाल देते हैं, जैसे हमने ये आर वाई बी डाला ना, इसी तरह हम इसमें भी आर वाई बी यहीं से हम इसमें भी लूप लगा के दे सकते हैं आर वाई बी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाती है हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट।
इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है हमारे जो वाइंडिंग होती है ना, हम जो वायर कनेक्ट करते हैं मोटर के, वो हम गलत कनेक्ट करा देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप हो सके तो वो देख लिए, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार होता है उसके अंदर ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, या फिर हमारी मोटर जो है सिर्फ स्टार में चल रही है, जैसे ही डेल्टा लगता है और हमारी मोटर ट्रिप हो जाती है तो उस समय हमको क्या करना है और कैसे चेक करना है। तो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है वहाँ पर हमारे स्टार डेल्टा स्टार के ऊपर ले जाके, आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं सजेशन में डाल, या फिर आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर वायरिंग यहीं पे खत्म होती है, अब हम एक बार समझ लेंगे कंट्रोल वायरिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों देखो कंट्रोल वायरिंग भी बहुत ही आसान होती है, बस बोलते हैं काफी डिफिकल्ट है, बाकी बहुत ही सिंपल है। क्या होता है दोस्तों, देखो ये हमारा जो है मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ये हमारा है दोस्तों स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, और ये है हमारा दोस्तों डेल्टा कॉन्टेक्टर, ठीक है, और ये लगा देता हूं मैं यहां पे एक टाइमर, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइमर। अब दोस्तों देखो क्या होगा, हमको क्या करना है दोस्तों, हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट करना है सबसे पहले, और साथ साथ हमको स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट करना है। ऊपर की जो वायरिंग होगी कंट्रोल की, वो सेम की सेम हमारे ड्यूल स्टार्टर की तरह ही होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कंट्रोल वायरिंग, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम उठाते हैं एक फेस वायर उठाते हैं, सबसे पहले हम लगा देते हैं दोस्तों हमारी ओवरलोड रिले के अंदर। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप एक बार है ना ये ड्यूल स्टार्टर को समझ लीजिए, ताकि आपको काफ़ी आसान रहेगा समझना। तो ओवरलोड रिले के एनसी के अंदर हमने वायर जोड़ा और एनसी का जो आउटपुट निकला उसको हमने उपयोग में लिया। उसका जो आउटपुट निकला, उस आउटपुट को जब से पहले हमने जोड़ा एक एनसी पुश बटन में, ठीक है, ये हो गया हमारा पुश बटन, और ये जोड़ दिया हमने एनसी का पुश बटन, ठीक है, एनसी स्टॉप पुश बटन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो इसका आउटपुट निकलेगा, उसका आउटपुट हम जोड़ेंगे स्टार्ट पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन, जो कि होता है दोस्तों हमारा एनओ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा ड्यूल स्टार्टर तक ही है, ठीक है, बस यहीं से चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन दबाया तो आपको पता है मेरे को क्या क्या स्टार्ट करना है, एक तो मेन कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करना है एंड्रॉइड, तो मैं क्या करूँगा यहीं से स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट निकलेगा, जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा मेरा फेस यहीं का यहीं रुका हुआ है, तो जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा मेरा फेस जो निकलेगा वो मैं डायरेक्ट मेन कॉन्टैक्टर में दे दूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर अगर तीनों के तीनों 220 वोल्टेज के हैं तो मैं इनके अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूंगा, इसमें भी न्यूट्रल दे दिया, इसमें भी न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। ये न्यूट्रल कहाँ जोड़ते हैं, इसके A2 पॉइंट पर जोड़ते हैं, ठीक है, A1 में भी जोड़ सकता हूँ, अगर 440 वोल्टेज का है कॉन्टैक्टर है तो हमको यहाँ पे फेस देना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों टाइमर है, इस टाइमर के अंदर भी देख लीजिएगा कि हमारा 220 वोल्टेज का है, तो A2 के अंदर हम यहाँ पे भी इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखो जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन को दबाया मेरा मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया, मेरे को यही करना था, पर दोस्तों साथ साथ मेरे को क्या करना है, एक स्टार कॉन्टैक्टर भी स्टार्ट करना है, मेन और स्टार्ट दोनों कॉन्टैक्टर स्टार्ट करना है। तो ये स्टार कॉन्टैक्टर का A1 कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये इसका A1 हो गया और इस पे A1 पे मैंने पहले ही जोड़ रखा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे को स्टार कॉन्टैक्टर में भी ये सप्लाई देनी है, पर दोस्तों मैं ये यहाँ से नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा जैसे ही मेरा जो मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो रहा है इसी के साथ में यहीं से स्टार्ट पुश बटन के यहाँ से, या फिर यहाँ से मैं एक लूप लगा दूंगा और मेरा जो टाइमर है इस टाइमर के A1 में दे दूंगा, ठीक है, टाइमर के A1 में दे दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा उसी समय हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर के अंदर भी A1 आ जाएगा, A1 में फेस आ जाएगा और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे रखा है A2 में, तो हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइमर के अंदर दोस्तों एक कॉमन पॉइंट होता है, एक होता है दोस्तों कॉमन पॉइंट, एक होता है दोस्तों एनसी पॉइंट और एक होता है दोस्तों एनओ पॉइंट, ठीक। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो एनसी कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इस एनसी कॉन्टैक्ट से मैं आपको ईजी वे में समझा रहा हूँ काफ़ी, एक बार आप ड्रॉइंग देख लीजिए फिर उसके बाद में आप काफ़ी आराम से और समझा भी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों एनसी कॉन्टैक्ट है, इस एनसी कॉन्टैक्ट से तो मैं जोड़ दूंगा हमारा स्टार कॉन्टैक्ट का A1 और जो एनओ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो एनओ कॉन्टैक्ट है इस एनओ कॉन्टैक्ट से मैं जोड़ दूंगा हमारा डेल्टा कॉन्टैक्ट का A1, ठीक है। क्या होगा दोस्तों आप देखिएगा, और जो हमारा जो A1 है जो हमने जो टाइमर के अंदर सप्लाई दी यहीं से एक लूप लगा दूंगा मैं कॉमन में, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा क्या वर्किंग होती है, जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन को दबाया था मेरा क्या हुआ था, A1 के अंदर सप्लाई आई और मैंने यहीं से एक लूप दिया था तो मेरा टाइमर के अंदर भी सप्लाई आ गई, पर मैंने जो टाइमर के सप्लाई के लिए है यहाँ से भी एक लूप लगा रखा है जो कि मैंने जोड़ दिया कॉमन के अंदर, इस कॉमन के अंदर जोड़ दिया, ठीक है, इस कॉमन में भी मेरा फेस आ गया। तो क्या होगा दोस्तों, जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, इस एनसी कॉन्टैक्ट का काम क्या होता है, कॉमन और एनसी का काम ये होता है जब तक हमारा टाइम चालू हो जाए 10 सेकंड चालू है तो 10 सेकंड तक मेरी सप्लाई है वो एनसी से मेरे को कंटिन्यू मिलती रहेगी। 10 सेकंड लगा दिए, 20 सेकंड लगा दिए तो 20 सेकंड तक मेरी सप्लाई एनसी से कंटिन्यू मिलती रहेगी। 20 सेकंड के बाद क्या होगा, मेरी सप्लाई एनसी से जाना रुक जाएगी और एनओ से मिलने लग जाएगी, यही काम होगा। तो मेरे को भी तो यही करना है, 20 सेकंड तक या 10 सेकंड तक मेरे को एनसी से सप्लाई निकाल दूंगा तो मेरा एनसी से जो निकलेगी वो मैं स्टार कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करा दूंगा, तो मेरा स्टार कॉन्टैक्ट 10-20 सेकंड चलाना है मेरे को और वो चल जाएगा। और 10 सेकंड के बाद में क्या होगा,
तो दोस्तों जैसे मैंने टाइमर को 10 सेकंड सेट कर रखा है, उसके बाद में क्या होगा, मेरे 10 सेकंड बाद में जो सप्लाई, जो ये मेरा कॉमन की जो सप्लाई एनसी में जा रही थी, वो जाना बंद हो जाएगी और मेरे एनओ में जाने लग जाएगी। और इस एनओ को मैं जोड़ रखा है यहाँ पे डेल्टा में, ये देखिए ये दो एनओ का जोड़ रखा है मैंने यहाँ डेल्टा में। तो दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है हमारा जो एनसी है, इस एनसी से 10 सेकंड यानी जितना भी हमने टाइमर सेट कर रखा है तब तक हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, और जैसे ही हमारा टाइमर खत्म हुआ, टाइम खत्म होने के बाद हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा और स्टार कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यही वर्किंग होती है। इसके अंदर भी दोस्तों हम होल्डिंग लगाते हैं, तो होल्डिंग हमारे ड्यूअल स्टार्टर की तरह लगाएंगे। हमारा जो स्टार्ट का पुश बटन होगा, इसी स्टार्ट पुश बटन के बीच में हम एक होल्डिंग का वायर जोड़ देंगे, जो कि हम जोड़ते हैं हमेशा मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से। ठीक है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से हमने होल्डिंग का वायर जोड़ दिया। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप प्लीज एक बार ड्यूअल स्टार्टर को देखिएगा, आपको वहां से कुछ बेसिक जानकारी मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझेंगे तो काफी आसान है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसी समय आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियो से अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।